Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are starting with topic auditor duties toward internal control. Yes guys, हम बात करने जा रहे ऑडिटर ड्यूटीज टुवर्ड इंटरनल कंट्रोल. लेट्स स्टार्ट गाइज. आ जाओ सर, हमारी क्या ड्यूटीज है टुवर्ड इंटरनल कंट्रोल गाइज. सबसे पहला मैं आपको बता दूं गाइज, इंटरनल कंट्रोल तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय इंटरनल कंट्रोल. गाइज हम एज अ ऑडिटर हम कहीं भी ऑडिट करने जाते हैं तो हम लोग इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं. बहुत जरूरी एक चेक करना, बिकॉज जब तक हम लोग अपना इंटरनल कंपनी का कंट्रोल चेक नहीं करेंगे इंटरनल कंट्रोल, हमको आइडियाज नहीं आएगा कंपनी का डेट इज आगे PNL और बैलेंस शीट को कैसे चेक करना है, राइट ना. तो सबसे पहले हम लोग कहीं भी कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे तो क्या चेक करेंगे गाइज, इंटरनल कंट्रोल. क्या चेक करेंगे? इंटरनल कंट्रोल. तो क्वेश्चन का नाम है ऑडिटर ड्यूटीज टुवर्ड इंटरनल कंट्रोल. तो सबसे पहला पॉइंट गाइज, रिस्क सर ऑलवेज याद रखना इंटरनल कंट्रोल. पहला पॉइंट आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. दोस्तों याद रखना, इंटरनल कंट्रोल चेक करना ये हमारा काम नहीं है गाइज. मतलब इंटरनल कंट्रोल चेक करना हमारा काम है, बट इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना हमारा काम नहीं है. इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना, मेंटेन करना इज टोटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट गाइज. हमारा यहाँ पे खाली ये काम है चेक करना. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना. तो क्या मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है क्या? सबसे पहला पॉइंट चेक करोगे. वेरी क्लियर है गाइस? यस, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो. ठीक है, उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस? पहले तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिख दो, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम लोग इवैल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, हम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इवैल्यूएट करेंगे. इवैल्यूएट करना मतलब डिज़ाइन कैसा है, कब इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे वो सब एनालाइज करना, राइट. तो सबसे पहला अंडरस्टैंड द सिस्टम गाइज. एज अ ऑडिटर हम सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, डेट इज कंट्रोल कैसा है अंडरस्टैंड करना. सर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना कंट्रोल, आप ऑडिट कैसे करोगे? तो हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहला सिस्टम को अंडरस्टैंड करो. सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम है, कब इम्प्लीमेंट किया गया है, कितना इफेक्टिव है. सबसे पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करो. जैसे ऑडिट करने के आपने चेक किया कैमरा है, ओ कैमरा, डेट इज अंडरस्टैंड द सिस्टम कैमरा. सेकेंड पॉइंट उसके अंदर चेक करेंगे डेट इज टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन. अब टेस्ट कर लो गाइज, जो भी कंपनी के अंदर कंट्रोल है उसको टेस्ट कर लो, उसको एग्जामिन कर लो. उसके बाद इवैल्यूएट द सिस्टम, उस सिस्टम को आप एनालाइज करो, सिस्टम को एनालाइज करो गाइज. देखो अगेन एज अ ऑडिटर हम कंपनी के, हमारी क्या ड्यूटीज है टू इंटरनल कंट्रोल? सबसे पहले तो बोल देना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस. वेरी क्लियर है? यस. उसके बाद बता देना ऑडिटर का काम क्या है. ऑडिटर का काम है इसको इवैल्यूएट करना. कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे सिस्टम क्या है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद टेस्ट करेंगे, राइट ना. उसके बाद हाँ, उसके बाद पॉइंट की बात करो गाइस, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई इश्यू निकला, कोई डिफिकल्टी निकला तो डायरेक्टली आप किसको रिपोर्ट करोगे? टॉप मैनेजमेंट को, दो चार्ज विद गवर्नेंस को. अब इश्यूज कौन से, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल. उसमें और एक पॉइंट के बारे में आपको लिखना है, डेट इज एसेट 265. सर हमने एसेट 265 किया बच्चों. एसेट 265 में आपको याद है हम लोग ऑडिट करने जाते तो कंपनी का कंट्रोल वीक लगता है, मुझे लगता है कुछ और नया सिस्टम चाहिए, या जो पुराना सिस्टम हो वो कंपनी के फ्रॉड एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, या उसके रिप्लेसमेंट में कुछ दूसरा कंट्रोल चाहिए. तो ये सब चीज़ों के लिए आप किसके पास जाते थे? टॉप मैनेजमेंट के पास, दैट इज दो चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाके आप क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे. तो यहाँ पे वही बात है, एज पर द 265 हम टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे. अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, एज अ ऑडिटर हमारी क्या ड्यूटीज है टूवर्ड इंटरनल कंट्रोल? हमारी क्या ड्यूटीज है इंटरनल कंट्रोल? सबसे पहले हमारी ड्यूटीज है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे. उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवेल्युएट करना, टेस्ट करना और राइट ना एग्जामिन करना. उसके बाद मैनेजमेंट को बताएंगे और ऐसे 265 का कंप्लाइंस चेक करेंगे. बच्चा क्लियर है? बस इतना ही है. That is auditor responsibility toward internal control. Thank you so much friends for watching this video. Please like and subscribe our channel. That is Ikeda. Thank you so much.